नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। दोस्तों TCS की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं। IT सेक्टर की एक कंपनी है और बड़ी कंपनी है दोस्तों। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे, Q2 ऑफ 2024 के नतीजे आने वाले थे, तो अपडेट आ गया है। बायबैक, डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 3600 के आसपास कारोबार कर रहा है 11 अक्टूबर 2023 को। सबसे पहले जो अपडेट है दोस्तों, डिविडेंड की बात कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपनी ने सेकंड इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, और ये जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, इंट्रियम डिविडेंड 9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है, 1 रुपीज़ फेस वैल्यू। और इसका जो रिकॉर्ड डेट 19 अक्टूबर 2023, तो जिनके पास TCS रहेगा 19 अक्टूबर 2023 रिकॉर्ड डेट है, ये ध्यान में रखिएगा। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा दोस्तों, वो होगा 7 नवंबर 2023 को डिविडेंड का पेमेंट भी हो जाएगा। एक भी शेयर है तो 9 रुपये का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, इंट्रियम डिविडेंड है ये, तो इंटू 9 रुपीज़ हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट 19 अक्टूबर 2023 के अनुसार ही डिविडेंड मिलेगा, एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर्स। और जो पेमेंट होगा 7 नवंबर 2023 को होगा दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड जो अपडेट है, जो खबर बनी हुई थी, न्यूज़ बनी हुई थी, बायबैक की न्यूज़ बनी हुई थी दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। बायबैक का है तो बायबैक का जो अपडेट आया है, कंपनी ने अप्रूव किया है बायबैक, 17,000 करोड़ का बायबैक का अप्रूव किया है, और इक्विटी शेयर होंगे 4,09,63,855 इक्विटी शेयर्स होंगे दोस्तों। और जो अमाउंट है 17,000 करोड़ का है, बायबैक का जो शेयर प्राइस है 4,150 का है दोस्तों। बायबैक प्राइस जो है 4,150 का है। कंपनी ने अप्रूव किया है बायबैक के लिए, 1.12% का बायबैक होगा दोस्तों, और जो प्राइस है 4,150 का है, अमाउंट है 17,000 करोड़ का दोस्तों। तो ये अप्रूव किया है बायबैक के लिए, और रेगुलेशन के हिसाब से बायबैक होगा आगे। तो डिविडेंड और बायबैक हो गया। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करते हैं। अब दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का ये रिज़ल्ट है, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं ये, और रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का 60,698 करोड़ का है। इससे पहले क्वार्टर में 60,778 करोड़ का था। एक साल पहले सितंबर 30, 2022 में 56,274 करोड़ का था। तो 56,274 करोड़ से बढ़कर 60,698 करोड़ का टोटल इनकम हो गया, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं थोड़ा बहुत कम हुआ है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, और देखिए जो एक्सपेंसेस है उसके बाद सीधे प्रॉफिट का जो अपडेट आया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 11,380 करोड़ का है दोस्तों, और 11,120 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, और 10,465 करोड़ का एक साल पहले था। तो प्रॉफिट बढ़कर आया है, 11,380 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर EPS की बात करते हैं तो 31 का है, 30.26 का Q2 में था, और एक साल पहले 28.21% अर्निंग पर शेयर था दोस्तों। तो ये दूसरी तिमाही के नतीजे हैं, Q2 ऑफ 2024 के नतीजे हैं, जिसमें रेवेन्यू रहा है 60,698 करोड़ का, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 11,380 करोड़ का रहा दोस्तों। सालाना ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है। ये अपडेट था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।